हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक को प्राइम बटन नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज की वीडियो है वीवो का Y12s जो कि अभी लॉन्च हुआ है वर्सेस ओप्पो का A15। तो चलो इनका कंपैरिजन करते हैं, साथ के साथ मैं इसको सारी डिटेल बताने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करें। मेन की हाईलाइट करूंगा, जो कि मेन चीज़ है कि आपको अगर डिफरेंस देखने को मिलता है तो कहाँ पे देखने को मिलेगा और दोनों में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलो स्टार्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी चला के देखना तो आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो। शॉप लोकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करें। आप चेक कर सकते हो मेरे लेफ्ट हैंड में वीवो का Y12s जो कि अभी लॉन्च हुआ है। ये है ओप्पो का A15s जिसको लॉन्च हुए 2-3 महीने हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, तो वो 3 वेरिएंट मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल तो इनके प्राइस बताता हूँ। इनका है 9,990 रुपये, लगभग दोनों के सेम रेट है 9,990 रुपये, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब बात करते हैं इनके डिस्प्ले के साइज़ की। लुक के बारे में, दोनों काफ़ी बेटर है, मुझे ये वाला लुक ज़्यादा बेटर लगी। और अगर हम बात करते हैं, ये मेरे हाथ में डमी है, ये है डेमो। तो एक बात करते हैं लुक के बारे में, लुक आपको दोनों की सेम देखने को मिलेगी। अगर डिस्प्ले की बात करते हैं, डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की सेम है। अगर साइज़ की बात करें, 6.5 इंच HD+ आपको देखने को मिलेगी। IPS डिस्प्ले दोनों के सेम आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो 8 मेगापिक्सल दोनों के सेम है, बटर ड्रॉप नॉच में। अगर हम राइट साइड में बात करते हैं तो राइट में आप देख सकते हो वॉल्यूम की रोकर का अप डाउन का बटन देखने को मिलेगा, साथ में पावर लॉक बटन देखने को मिलेगा। वीवो का फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे स्कैन करने को मिलेगा। अगर हम ओप्पो की बात करते हैं तो ओप्पो का बैक में देखने को मिलेगा, फर्स्ट डिफरेंस ये देखने को मिलेगा। अप में बात करते हो, अप में आप एक क्लियर है, एकदम क्लियर। अगर लेफ्ट साइड की बात करते हो, दोनों में आप सिम स्लॉट डालने को देखने को मिलेगी, जो कि आप नैनो सिम डाल सकते हो, 2-1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। अगर डाउन की बात करते हो, दोनों में आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी, नॉर्मल चार्जर देखने को मिलेगी, मेन माइक देखने को मिलेगी, देन हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। अगर आप आते हैं हम इनके बैक में, तो बैक में चेक कर सकते हो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा डबल कैमरा, ड्यूल कैमरा देखने को मिलेगा। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें इन्होंने सिर्फ फोटो दे रखी है, ये ट्रिपल कैमरा नहीं है, ये ड्यूल कैमरा है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, 3 कैमरे देखने को मिलेंगे। अगर हम कैमरों की बात करते हैं बैक की, तो बैक में आपको 13 मेगापिक्सल वीवो में देखने को मिलेगा, प्लस 2 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। साथ में कैमरे की लुक देखने को मिलेगी और देन फ्लैश। अगर हम ओप्पो की बात करते हैं, ओप्पो A15 की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल, साथ में फ्लैश। फिंगरप्रिंट भी आपको बैक में देखने को मिलेगा। वैसे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको फिंगरप्रिंट कहाँ पे पसंद है, साइड में पसंद है, फ्रंट डिस्प्ले के अंदर पसंद है, या फिर बैक में। मुझे बैक में सबसे बेस्ट लगता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके ओवरऑल वेरियंट के बारे में, दोनों आपको 3/32 में देखने को मिलेंगे। प्रोसेसर के मामले में दोनों सेम है, बैटरी के मामले में वीवो थोड़ा आगे है, 5000 mAh बैटरी देखने को मिलेगी। ओप्पो में आपको देखने को मिलेगी 4230 mAh की बैटरी। और अब बात करते हैं इसके वेरिएंट की। वेरिएंट जो देखने को मिलेगा, इसमें 2/32 देखने को मिलेगा आपको 9000 का, 4/64 देखने को मिलेगा 11,490 रुपये का, 11,490 रुपये मतलब कि 11,500 का, जो कि 4/64 होगा, ठीक है। वेरिएंट इसमें 3 आते हैं, ठीक है। अभी जो मेरे पास वेरिएंट है वो आएगा है आपका 3/32, क्योंकि ये भी 3/32 है। तो ये थी इनकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन। प्रोसेसर हेलियो P95 है। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो सारा कुछ। इन दोनों में से कौन सा बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो एंड करें। आपकी कंपनी कौन सी फेवरेट है ये भी बताना। फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इनकी सारी डिटेल बता दी, डिस्प्ले क्या है, बैटरी क्या है, कैमरे क्या है, सारा कुछ बता दिया मैंने इनमें ओवरऑल सारा कुछ। तो बैटरी के मामले में बस थोड़ा सा ये आगे जाता है, बाकी सारा सेम है, बस कोई फ़र्क नहीं है। डिफरेंस ये है कि इसका फिंगरप्रिंट साइड में है, इसका बैक में है। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी पसंद है, आपको फिंगरप्रिंट कहाँ पर पसंद है। तो बस अगर कोई वीडियो में रह गया कमेंट करके पूछ लेना। अगर मुझे याद रहा, मैं भूल जाता हूँ, अगर मुझे याद लगा मैं बता दूंगा। वैसे मोस्टली मैंने सारा कुछ बता दिया। डिस्प्ले सेम है और बैक कैमरे में फ़र्क है, इसके बैक कैमरे 2 है, इसके 3 है। तो आई थिंक मुझे प्लस पॉइंट इसमें ज़्यादा लग रहा है, इसमें 1 प्लस पॉइंट है, इसमें 2 प्लस पॉइंट मेरे लिए ज़्यादा है, एक बैक का बैक फिंगरप्रिंट और एक कैमरा प्लस। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और हाँ, नेक्स्ट कंपैरिजन किसके साथ देखना चाहते हो जी, आप 9000 का भी खरीद सकते हो, 10000 का भी खरीद सकते हो और 11,500 का भी खरीद सकते हो। ये आपको एक ही वर्जन में देखने को मिलेगा। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।